ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करें। Hi guys, this is Uma. Welcome to my channel. Happy Diwali to all. Happy Kali Puja, guys. तो दिवाली बहुत ही नजदीक है एकदम। मेरा वीडियो भी मैंने छोड़ने में बहुत ही ज्यादा लेट कर दिया गाइज, आई एम सो सॉरी। सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं गाइज, आप लोग बहुत 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 एंजॉय करो। मैंने ये स्पेशली ये लुक क्रिएट किया है दिवाली के लिए, अली पूजा और भाई फोटा में भी ये लुक ट्राई कर सकते हैं। तो मैं जैसे तैयार होती हूँ वही मैं आप सबके साथ आज शेयर करूंगी। और बहुत ही सिंपल सा मैंने ये जो लुक क्रिएट किया है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो आपको ये लुक क्रिएट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने साड़ी पहन है, जैसे बंगाली एक वाइफ की लुक होती है वैसी ही मेरी लुक है, और मेरा लुक बहुत ही सिंपल रहता है और सेम रहता है। सो हाँ, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बल्कि मुझे मेकअप करना आता ही नहीं है। मैं बहुत सारी गलतियां की होंगी ये लुक क्रिएट करने में, तो आई एम सो सॉरी गाइस। प्राइमर के लिए मैं एवोन नेचुरा एफेक्ट्स मिलाकर ग्लो फेशियल ऑयल यूज कर रही हूँ। इसकी पिक्चर में यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। मैं 2-3 ड्रॉप्स लेती हूँ और अपने फेस में अच्छे से डैप कर लेती हूँ। पहले मैं इसे वार्म अप कर लेती हूँ अपने फिंगर पे। फिर मैं अप्लाई करूंगी अपने आईलाइनर। मैं यहाँ पे म्यूजिक फ्लावर जेल आईलाइनर यूज कर रही हूँ, ब्लैक वन। मैं विंग लाइनर लगा रही हूँ, शायद मैं आपको दिखा पा रही हूँ। दोनों आंखों पे ही ऐसे ही आईलाइनर मैं लगा लूंगी, प्रोसेस सेम है। फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ मार्स का काजल। आप अपने पसंद का कोई भी काजल यूज कर सकते हैं, मेरे पास मार्स था तो मैं मार्स का काजल यूज कर रही। ये भी बहुत अच्छा होता है काजल। मैं अपने वाटर लाइन पे ये काजल अप्लाई कर रही हूँ, जैसा मैं यहाँ पे कर रही हूँ वैसे आपको करना है। फिर मैं जो कर रही हूँ, मैं वाटर लाइन के थोड़ा नीचे मैं धीरे धीरे इसी काजल को हल्के हाथों से अप्लाई करूंगी। जैसे कि आप देख पा रहे एक स्मज लुक दे रहा है। दूसरी आंखों पर भी मैं इसी तरह ही काजल लगा लूंगी। ये रहा कंप्लीट लुक मेरी काजल का। मैं अपर वाटर लाइन पे भी थोड़ा सा काजल लगाती हूँ। मैं जैसा कर रही हूँ वैसे ही मैं ये काजल लगाती हूँ, तो आप अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। यूजुअली मैं आईब्रोज ड्रॉ नहीं करती हूँ, यूजुअली मैं मेकअप नहीं करती हूँ, तो मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ लैक्मी 925 कम्प्लेक्शन केयर सीसी क्रीम। मैं मेरे हाथों पे थोड़ा सा कम्प्लेक्शन केयर सीसी क्रीम ले लिया है और मैं अपने फेस पे पूरी फेस पे थोड़ा सा डॉट डॉट करके ये क्रीम लगा लूँगी। ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। ऑकेशन में मैं लैक्मी सीसी क्रीम ही यूज़ करती हूँ मैक्सिमम। तो मैं गीले ब्यूटी ब्लेंडर से अब मैं अपने फेस पे ये अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही जल्दी जल्दी ये ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही नेचुरल लुक देता है। यही सीसी क्रीम मैं थोड़ा सा अपने अंडर आई पे भी लगा रही हूँ और फिर इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं यहाँ पे मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। मैं पिक्चर यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो मैं एक ब्रश की मदद से मैं अच्छे से अपने फेस पे इसे लगा लूँगी। बहुत ही कम अमाउंट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर आपके पूरे फेस पे और नेक पे भी आपको अप्लाई करना है।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे फेस पे दो स्कार हैं, मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, और मेरे लिप के नीचे भी एक स्कार है। तो यूजुअली मैं ये सब करेक्ट नहीं करती हूँ, मुझे ये सब करेक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक रेड कलर की बिंदी अभी लगा रही हूँ। मैं अपनी ब्राउज़ को सेट करने के लिए मैं थोड़ा सा पतंजलि का एलोवेरा जेल ले ले रही हूँ, और फिर उसे अपने फिंगर पे अच्छे से वार्म अप करके मैं अपने ब्राउज़ को सेट कर लेती हूँ। मैं यूजुअली यही अपने ब्राउज़ के साथ करती हूँ। फिर मैं अप्लाई करूँगी सिंदूर। मैं यहाँ पे केयर शेड का सिंदूर यूज़ कर रही हूँ। मैं सेम फेशियल ऑयल को अपने होंठों पे लगा लूँगी। वन ड्रॉप तक मैं ये ऑयल ले रही हूँ और होंठों पे अच्छे से लगा लूँगी, ताकि मैं जो भी लिपस्टिक लगाऊँगी, मैं मैट लगाऊँगी तो वो ड्राई अपना हो जाए। तो मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ परसोनी का। ये लिपस्टिक पूरा मैट लिपस्टिक है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। मैंने जो भी प्रोडक्ट इस वीडियो में दिखाया है वो सारे के सारे प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं इस सारी की सारी प्रोडक्ट की लिंक जो है, बेस्ट बाय लिंक जो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं। और सारी जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है वो सारी के सारे अफोर्डेबल रेंज के अंदर ही आता है। मेकअप मेरा डन हो गया है, तो मैं यूजुअली इतना ही करती हूँ। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। अभी मैं ज्वेलरी पहनूंगी, तो ये कॉस्ट्यूम ज्वेलरी मैं पहनती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है ये ज्वेलरी। इसका एक सेट आता है, तो मैं इसका एक नेक पीस भी आता है, वो अभी मैं नेक पीस पहनूंगी। अब मैं दो नेक पीस फ़िलहाल पहन रही हूँ। लुक मेरा कंप्लीट हो गया है, अब मैं साड़ी पहनूंगी और वो पिक्स मैं ज़रूर वीडियो में मेंशन कर दूंगी। तो कैसे लगा आपको मेरी ये वीडियो? बहुत ही सिंपल लुक है, शायद आपने देखा भी है। इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी बताना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके आंसर जरूर करूंगी। वीडियो अगर आपको लगे कि यूजफुल है तो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी किसी की हेल्प हो। वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपके एक लाइक मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट और एनकरेज करते हैं गाइस। और आगे चल के और भी अच्छी नए वीडियोस देखने के लिए मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन इज टोटली फ्री गाइस। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टाटा।